हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा मैथमेटिक्स क्लासेस। इस वीडियो में आप लोगों को MT2 लीनियर अल्जेब्रा के अंतर्गत दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन 2021 में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्यूशन के साथ बताने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सिग्नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्म x1² + x2² - 3x3² तो हम इस तरह से फाइंड करेंगे सिग्नेचर। लिखेंगे पहले, एसोसिएटेड कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन विल बी y1 इज इक्वल टू अंडर रूट मोड 1x1। यहाँ पर फर्स्ट टर्म का जो कोफिशियंट है उसका हम मोड लेंगे, ठीक है, और x1 इज इक्वल टू अंडर रूट 1x1 इज इक्वल टू x1। इसी तरह से y2 इज इक्वल टू अंडर रूट सेकेंड टर्म का जो कोफिशियंट है उसका मोड लेना है, फिर x2 इज इक्वल टू अंडर रूट 1x2 इज इक्वल टू x2, फिर y3 इज इक्वल टू इसी तरह से अंडर रूट यहाँ थर्ड टर्म का जो कोफिशियंट है उसका मोड ले लेना है, x3 इज इक्वल टू अंडर रूट 3x3, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे, सो x1² + x2² - 3x3² इज इक्वल टू x1² + x2² - √3x3 का स्क्वायर। हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, अब y1 इज इक्वल टू x1 है, ठीक है, तो इसीलिए हम x1² की जगह y1² लिख सकते हैं। इसी तरह से y2 इज इक्वल टू x2 है, तो यहाँ x2² इज इक्वल टू x2² की जगह y2² लिख सकते हैं। फिर माइनस, अब √3x3 किसके इक्वल है, y3 के इक्वल है, तो इसके बदले में हम y3 लिख देंगे, इस पर स्क्वायर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह नॉर्मल कैनोनिकल फॉर्म हो गया, ठीक है। अब नॉर्मल कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाने के बाद हम सिग्नेचर कन्वर्ट कर लेंगे। यह कैसे निकलेगा, तो नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स माइनस नंबर ऑफ नेगेटिव टर्म्स, मतलब नॉर्मल कैनोनिकल फॉर्म में पॉजिटिव टर्म्स की संख्या माइनस नेगेटिव टर्म्स की संख्या। तो पॉजिटिव टर्म्स 2 हैं, नेगेटिव टर्म्स 1 है, तो इसीलिए 2 - 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, डायगोनल फॉर्म जो दिया हुआ है उसे हमें पहले नॉर्मल कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद जाकर हम सिग्नेचर फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला है, एक्सप्रेस द वेक्टर 100 ऑफ r³ इन टर्म्स ऑफ द ऑर्डर बेसिस 0102 - 1111। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, लेट 100 इज इक्वल टू अल्फा इंटू 010 प्लस बीटा इंटू 2 - 11 प्लस गामा इंटू 111, जहाँ की अल्फा बीटा गामा क्या है, रियल नंबर्स हैं। तो यहाँ पर फिर 1,00 इज इक्वल टू अल्फ़ा को तीनों से मल्टीप्लाई किए 0,α,0, फिर प्लस बीटा को तीनों से मल्टीप्लाई किए 2β - β, फिर प्लस γ, 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 γ। अब यहाँ 1,00 इज इक्वल टू इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0 + 2β + γ इज इक्वल टू 2β + γ, फिर α - β + γ, ठीक है, फिर (0 + β + γ) यानी β + γ। कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ तुलना करने पर 2β + γ इज इक्वल टू 1, α - β + γ इज इक्वल टू 0, β + γ इज इक्वल टू 0। यहाँ पर फ्रॉम 1 एंड 3 इसे सॉल्व करते हैं तो बीटा इज इक्वल टू 1 मिलता है, फिर इस बीटा का वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करते हैं तो गामा का वैल्यू मिलता है -1, और उसके बाद फिर इक्वेशन 2 में हम बीटा और गामा का वैल्यू पुट करते हैं तो अल्फ़ा का वैल्यू हमें मिलता है 2। और इस तरह से हम देखते हैं कि 100 को हम दिए गए ऑर्डर बेसिस के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर अल्फा की जगह क्या आ जाएगा, 2 × 0,10, फिर प्लस बीटा की जगह 1, ठीक है, × 2, −1, 1, फिर प्लस गामा की जगह −1 × 1, 1, 1। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।